गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के संबंधित एग्जामिनेशन, जो भी एग्ज़ाम में जैसे कि आर्मी क्लर्क हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, और साथ में जितने भी बैंक एंड रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको इस पर कवर हो जाएंगे। और इसमें कम से कम 100+ क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम हम डिस्कस करेंगे। और इनसे पहले हमने जितने भी डिस्कस किया, आप जाके अलग प्लेलिस्ट है कंप्यूटर का, उनके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई चार्ल्स बैबेज। जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर को एक आर्किटेक्चर दिया, मतलब ऐसा बनावट दिया चार्ल्स बैबेज, इन्होंने फॉर्मुलेट किया उसको। उस टाइम पे इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम पे भी जाना जाते हैं। मैकेनिकल कैलकुलेटर या कंप्यूटर कहते हैं इसको, सबसे पहला खोज करने वाला ब्लेज पास्कल है दोस्तों। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पास्कल किस चीज़ का यूनिट है। अगला, द टर्म ट्वेन इज़ रिलेटेड टू। नॉर्मली स्कैनर आप जानते हैं एक इनपुट डिवाइस है, इनके अंदर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसका है ट्वेन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन एक्सेल ईच शीट इन ए वर्कबुक इज़ डिस्प्लेड एज ए टैब। आपने कभी MS Excel, जो कि MS Office के अंदर MS Excel, MS Word और पावर पॉइंट ये सब होते हैं, MS Excel में जब काम करेंगे उनके अंदर नीचे टैब होते हैं 1, 2, 3, तो तीन वर्कशीट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल प्लस पेज अप, जब आप कंट्रोल के साथ साथ पेज अप बटन दबाएंगे तो वो क्या होगा, प्रीवियस शीट या पेज के ऊपर लेके चले जाएगा, तो आपको दोबारा स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये आराम से करते रहो, ऊपर नीचे आपका होता रहेगा। अगला, दैट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट हॉस्ट्स। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो कि डिफरेंट हॉस्ट्स के बीच में, जैसे कि हम लोग रेडिफ है, गूगल है, मेरा रेडिफ अकाउंट है, आपका गूगल है, तो आपस में जो कि ईमेल फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड करता है एक प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को कहते हैं SMTP। ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, स्विच्ड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट अब्रिवेशन आपका आ सकता है। अदर नेम फॉर लैंड कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अलग अलग आपको पता होना ज़रूरी है, लैंड वैन मैन ये सब आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि लैंड कार्ड का अदर नेम, जिसको हम NIC कहते हैं। आप मुझे बताएंगे NIC का अब्रिवेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी मैं पूछ रहा हूँ आप उसमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। MS Word के अंदर जब आप कोई भी टाइप करते हो तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, द प्रोग्राम इज़ यूज्ड इन MS Word टू चेक द स्पेलिंग। एक कमांड होता है उसको कहते हैं स्पेल चेक। इस स्पेल चेक कमांड आपको काफ़ी अहम मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जब आप स्पेल चेक करोगे आपको लाल सा एक लाइन दिखाई देगा, जिससे आपका कहीं भी करेक्शन हो आप आराम से करेक्ट कर सकते हो, तो स्पेल चेक कमांड में आपको जाना पड़ता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स अलग अलग होते, इम्पैक्ट यानी जिसको आप जाके टच करता इम्पैक्ट करता है, जो नॉन इम्पैक्ट होता है जस्ट वो स्लाइड करके निकल जाता है। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये जो डेजी है ना फूल का नाम है दोस्तों, तो प्रिंटर का भी नाम दिया गया है, ऐसे एक ही प्रिंटर है जिसका नाम फूल में दिया गया, वो है डेजी। ड्रम प्रिंटर होता है, पर जितने भी घरों में आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी बदल गया, लेज़र प्रिंटर और प्लॉटर और इंकजेट जो होते हैं, ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। बाकी जो डेजी, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर्स है दोस्तों। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, जो भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं रोम के अंदर, जिनको हम कहते हैं फर्मवेयर। जितने भी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, यहाँ पर रोम दिया गया रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट नेचर का है। जो भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं रोम के अंदर, जिनको हम कहते हैं फर्मवेयर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट साइकिल्स आर अलाउड टू रैम, जो कि रैम के अंदर राइट साइकिल्स मैक्सिमम कितना अलाउड है, एक अलाउड है। कनेक्टिंग डिवाइस क्या होता है, हब, रिपीटर, स्विच एंड ब्रिज, ये जितने भी हैं इनको हम कनेक्टिंग डिवाइसेस कहते हैं, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हब है, रिपीटर है, स्विच है, ब्रिज है। अब बात आता है प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन, जैसे कि हम लोग जब भी प्रिंटिंग
करते हैं उसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर इस टच्ड कहाँ पे टच होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर टच होता है, बाकी जितने भी लेज़र हो गया, प्लॉटर हो गया और इंकजेट हो गया, ये क्या स्लाइड होके निकल जाता है, मतलब वो पूरा विदाउट टचिंग वो एकदम स्लाइड होके निकल जाता है। द टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट कैन द CPU इज़ प्रेजेंटली प्रोसेसिंग, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या है, टेम्प्रेरी नेचर है। ये मेमोरी जो है होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU इज़ प्रेजेंटली प्रोसेसिंग, जब CPU प्रोसेसिंग हो रहा होगा तब आपको देखने को मिलेगा। जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, ये किसने डेवलप किया है, सन माइक्रो एक सिस्टम है जिसने इस जावा लैंग्वेज को डेवलप किया है। ये जावा लैंग्वेज नॉर्मली इंटरनेट में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है, आपको पता होना ज़रूरी है कौन सा लैंग्वेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लैंग्वेज इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लैंग्वेज इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे बाकी दोनों बताएंगे। अगला देखिए बेसिक, ये कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाई, बेसिक का अब्रोवेशन आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है वॉज डेवलप्ड बाई जॉन जी केमिनी, ये बंदा ने बेसिक लैंग्वेज को 1964 में इसने डेवलप किया है, और जो कि बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पावर बूटिंग के लिए ये बायोस काफ़ी काम आता है। अब बात आता है दोस्तों, व्हेन यू इंस्टॉल ए न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडेड टू द मेनू, जब आप कोई भी चीज़ें जैसे कि मैं गूगल क्रोम डाउनलोड किया ओपन सोर्स से और सॉफ्टट्रॉनिक से, वहाँ से कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद, और वो जो है अगर आपको चाहिए कहाँ पे ये सेव्ड है, तो आप लेफ़्ट साइड जो भी विंडोज़ बटन है वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आप आराम से फर्दर उसमें जाने के बाद आपको आराम से जो भी आपने डाउनलोड किया गूगल क्रोम आपको देखने को मिलेगा, तो वो प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा ऑल प्रोग्राम के अंदर। अब बात आता है कंपाइलर इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कंपाइलर होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन यानी हम लोगों को यूज़ करने के लिए, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है विंडोज़ है जो सिस्टम के लिए, एप्लीकेशन क्या होता है जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि जितने भी हम लोग खुद डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ये नॉट ओनली दैट गूगल क्रोम है जो डाउनलोड करने के बाद जो डायरेक्ट यूज़र करता है, तो यूज़र के लिए अगर यूज़ करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम के लिए होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपाइलर है एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की मदद करता है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहते हैं जिसको, ये क्या करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, ये कन्वर्जन करने का मेन काम होता है मॉडेम का, जिसको मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर अब्रिवेशन है दोस्तों। फॉर्मेट कमांड जो होता है, फॉर्मेट्स ए डिस्क टू रिसीव फाइल्स, ये क्या करता है पूरा फॉर्मेटिंग करता है, लेकिन किसके अंदर, फॉर्मेट्स ए डिस्क टू रिसीव ए फाइल, जो भी रिसीव्ड फाइल होते हैं उनको आप क्लियरली फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों, द कमांड कैन बी यूज टू क्रिएट द डिस्क ट्रैक्स, जिसको हम लोग फॉर्मेट कहते हैं, जो भी कमांड दिया जाता है टू रिक्रिएट, पूरा का पूरा रिक्रिएट करता है, जैसे कि रीराइटेबल होता है CD, ठीक उसी तरह उस डिस्क को रिक्रिएट करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग कमांड देना पड़ता है। अगला जो है, द फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आर बिट्स, आज के टाइम पे जितने भी कॉम्पैक्ट डिस्क है काफ़ी सस्ता है, आप आज के टाइम पे हार्ड डिस्क ड्राइव्स आ गया, जो कि मेरे पास 5 TB का 5 TB, यानी आप इसका प्राइस समझ सकते हो तकरीबन 9,000 रुपीज़ का प्राइस है एक हार्ड डिस्क का प्राइस, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जितने भी मेमोरी सेव करने के लिए। यहाँ पे सस्ते सस्ता वो है कम्पैक्ट डिस्क, जिसके अंदर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इन ए कंप्यूटर फ्लिप फ्लॉप इज़ केपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, जो कि फ्लिप फ्लॉप होता है ये केपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, जो कि बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 2 भी नहीं आएगा 3 भी नहीं आएगा, 0 और 1 का जो कोडेड बाइनरी कोडेड लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 से बना हुआ रहता है। यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है इज़ केपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। अब बात आता है दोस्तों, कोई भी एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ .xls, ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है .doc सुना होगा,
ठीक उसी तरह .xls होता है एंड वर्ड डॉक्यूमेंट का .doc इस तरह का आप देख सकते हो। अब बात आता है वर्ड इज़ द वर्ड प्रोसेसर इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर जैसे कि मैंने बताया था वर्ड है, एमएस वर्ड है, साथ में एमएस पावर पॉइंट है और साथ में एमएस एक्सेल आप देख सकते हो। इनके अंदर वर्ड जो है इज़ द वर्ड प्रोसेसर फॉर एमएस ऑफिस। द लॉजिकल गेट जो कि अंड, नार, नॉट, अंड बट नॉट नैटन, जो भी लॉजिकल गेट होते हैं ये कैसे होते हैं, अंड होता है, नार होता है, नॉट होता है, इस तरह का आप देख सकते हो पर नेट करके नहीं देख सकते हो। इसके अंदर ऐसा कोई लॉजिकल गेट लैंग्वेज नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में OS इज़ द लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र प्रोग्राम। कोई भी हार्डवेयर और प्रोग्राम के बीच में एक ऐसा लेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कितना भी बड़ा हो जब तक उस कंप्यूटर के अंदर ठीक तरह से OS यानी विंडोज़ डाला नहीं है तो वो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना। थर्ड लेयर ऑफ OS है मॉडल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कुल मिला के हमारे पास कितने लेयर होते हैं OS मॉडल के अंदर, 7 लेयर होते हैं। वो क्या है, पहला फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। जितने ये 7 लेयर हैं इनके अंदर जो तीसरा लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी लेयर्स आप याद रख लीजिएगा, कुल मिलाकर 7 लेयर है। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मकसद है। क्योंकि आपको कंप्यूटर है पर अगर एफिशिएंट यूज़ नहीं है तो क्या फ़ायदा है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर का मोस्ट क्या है दोस्तों, प्राइमरी पर्पस, ऑपरेटिंग सिस्टम का यही मेन प्राइमरी पर्पस है दोस्तों। सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म्स वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस। जो भी सॉफ्टवेयर है वो ट्रांसफॉर्म करता है एक इंटरफेस से दूसरा इंटरफेस। और नॉट ए टाइप ऑफ बस, जो कि सॉफ्टवेयर बस होता है ये नॉट ए टाइप ऑफ बस। एंड बट वी हैव डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, ये अलग अलग 3 बस है दोस्तों जिनके अंदर ये, हाँ सॉफ्टवेयर बस जो है इट्स नॉट द टाइप पर डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस ये आप देख सकते हैं। अगला, ए प्रोसेस नोन एज डाटा माइनिंग इज़ यूज बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम डाटा माइनिंग कहते हैं, ये यूज़ करते हैं बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स, आज के टाइम पे स्टडी करने के लिए। इंफॉर्मेशन जो होता है इज़ डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल मैनर और फैशन, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा जो है जिनके अंदर क्लियर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता, अगर मैं कैट कहता हूँ, अगर मैं TAC कहता हूँ तो कोई ये डाटा है, अगर मैं कैट लिखता हूँ तो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो कहने का मतलब डाटा जो है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ एक कंटेंट होता है, कंटेंट को मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाने के लिए हमें उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है टू प्रोसेस डाटा, जिसको हम 0 और 1 के नाम पे जाना जाते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सेसिवली विद द नंबर्स। वो नंबर्स का इस्तेमाल करके वो काफ़ी डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। उसी नंबर्स को हम लोग 0 1, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो काफ़ी फास्टेस्ट होते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स कह सकते हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर्स परम 8000 जो CDAC ने बनाया, CDAC ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे CDAC का अब्रिवेशन क्या है। अब अगला देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र यूज़ करता है, जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग टूल्स जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। CPU और मेमोरी, ये आप कहाँ पे देखने को मिलेगा, मदरबोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेस, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो कि CPU को कहते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी जितने भी हैं ये आप लोग
मदरबोर्ड में देख सकते हो। उस मदरबोर्ड में जितनी भी मेमोरी है वो स्लॉट्स के अंदर एडिशनल मेमोरीज डाला जाता है ताकि उसके अंदर स्पीड बढ़ सके, कंटेंट रह सके। जो ब्लू रे टेक्नोलॉजी है ये डेवलप करने वाला बंदा कंपनी कौन है, सोनी कंपनी ने ब्लू रे टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया है। जो कंप्यूटर वायरस होता है एक किस्म का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस, ये आप अलग अलग कंप्यूटर वायरसेस है जो आपको पता होना ज़रूरी है। उसका एंटीवायरस जैसे कि नोशन एंटीवायरस है, इस तरह का देख सकते हो आप। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है एज ए प्रोग्राम दैट स्टार्ट्स कंप्यूटर वर्किंग, ये बूटस्ट्रैप अगर नहीं होता तो आपको कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और वर्ल्ड वाइड वेब सभी जानते हैं WWW, ये डिज़ाइन करने वाला टिम बर्नर्स ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी TIM दे देगा, नहीं TIM, टिम बर्नर्स ली। अगर वहाँ पे TIM नहीं है, नन अगर दिया है तो आप आराम से नन पे जा सकते हैं, टिम बर्नर्स ली कोई अलग नाम हो जाता है तो TIM होनी चाहिए। शॉर्टकट की जो होता है रिप्लेस करने के लिए हम लोग कोई भी कंट्रोल F मारे तो आपको फाइंडिंग ऑप्शन होगा, कंट्रोल H प्रेस करोगे तो आपका रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल F मार के भी जा सकते हैं लेकिन कंट्रोल H इज़ द रिप्लेस डायरेक्ट ऑप्शन। एनालिटिकल इंजन जिसको हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर दिया उसी को हम एनालिटिकल इंजन कह सकते हैं, चार्ल्स बैबेज ने जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स ने दिया है दोस्तों। अब बात आता है एग्जाम्पल्स ऑफ फॉन्ट टाइप, जो भी एरियल ब्लैक है, कॉमिक सैंस है, टाइम्स न्यू रोमन है, ये सब क्या एग्जाम्पल्स है फॉन्ट टाइप का। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। और डाटा जिसको हम नॉट इन्फॉर्मेशन क्लियरली होता है, इफ डाटा इज़ एन अरेंज्ड मैनर इन मीनिंगफुल मैनर जिसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूज़र, देन उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि डायरेक्ट यूज़र को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब लेटेस्ट वेब ब्राउज़र ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट जो ब्राउज़र है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे कौन सी सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ किया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि आज के टाइम पे गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, ये हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एंड्रॉयड एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि .apk कह सकते हैं, ये एंड्रॉयड एग्जीक्यूटेबल फाइल है दोस्तों। पहला जो वर्जन है 1.1, और आज के टाइम पे जैसे कि इंडिया में सबसे पहला जो एंड्रॉयड जो आया था उसको हम जिंजर ब्रेड कहते हैं, बाकी जो पहला वर्जन है 1.1 जो आया था उसके बाद अलग अलग इस तरह का खाने पीने वाले पदार्थ का नाम दिया था। और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक GUI कार्ड होता है और GUI एक एग्जांपल ऑफ इज़ एंड्रॉयड। सो यहाँ पे एंड्रॉयड जो है एक किस्म का GUI है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। अब बात आता है व्हाट्सअप जो है, जिसे मैंने बताया था एक एप्लीकेशन एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर बैंकों में इस्तेमाल करते हैं उसको हम फिनैकल कहते हैं दोस्तों, FINACLE, वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल क्लाइंट जो होते हैं जीमेल, रेडिफ, याहू, ये सब ईमेल क्लाइंट्स हैं। पर गूगल जो है एक सर्च इंजन, www.facebook.com, ये एक URL है दोस्तों। यहाँ पे URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, एक किस्म का एड्रेस होता है। अब यहाँ पे जो .com है जिसको हम डोमेन कहते हैं, नॉर्मली डोमेन अलग अलग होते हैं, .in यानी इंडिया के लिए होता है, .com यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, और मिलिट्री के लिए .mil का इस्तेमाल करते हैं, .org यानी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ई कॉमर्शियल जो पोर्टल है आज के टाइम पे कमर्शियल यानी काफ़ी बिजनेस माइंडेड, जो कि अमेज़ॉन, Myntra.com, स्नैपडील, जहाँ शॉपिंग करते हैं, जिनको हम ई कमर्शियल पोर्टल्स के नाम पे जाना जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बिंट आपके लिए हो सकता है। अब बात आता है रेडीमेड फॉर्मेट विच इज़ यूज्ड कॉमनली इन ऑल पेजेस ऑफ वेबसाइट, जिसको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं, जो कि एक ऐसा रेडीमेड फॉर्मेट है दोस्तों जिसको हम कॉमनली हर पेजेस में वेबसाइट में दिया जाता है, देखा जाता है, जिसको हम टेम्पलेट, इवन फेसबुक में भी आप देख सकते हो, यूट्यूब में भी, लेफ्ट साइड में जो एल टाइप में
आर्ट रेडीमेड दिखा रहा दिखाई देता है उनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाय जो कि रे टॉमिल्सन जो कि 1972 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल का आविष्कार किया। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल जियो वोडाफोन BSNL ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है दोस्तों। व्हेन डाटा हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूज़र टू वेबसाइट इट इज़ नोन एज अपलोडिंग जिसको हम अपलोडिंग कहते हैं यूज़र से लेके वेबसाइट जब डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब क्या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और गूगल क्रोम जो है एक हाईली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउज़र कह सकते हैं गूगल क्रोम। अब बात आता है बैंकिंग सिस्टम जो कि इज़ बेस्ड ऑन इंट्रानेट। जो भी बैंकिंग सिस्टम है ये इंट्रानेट उनका अपना खुद का इंट्रानेट होता है। इंटरनेट यानी सभी लोग उसको अमेंड कर सकते हैं लेकिन इंट्रानेट में ऐसा नहीं है उसका लिमिटेड होता है एक्सेस होता है उनका रेस्पेक्टिव बंदे वो एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आता है इनपुट डिवाइसेस जो कि स्कैनर है और जो भी सुपरमार्केट में जाते हैं वो लोग गन से जो करते हैं वो भी स्कैनर होता है बारकोड स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस में प्रोजेक्टर मॉनिटर ये जितने भी आ जाता है डिस्प्ले। सीक्वेंस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम जो है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा है सबसे यहाँ पे गलत दिया है डोंट वरी यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क में ये जो ग्रेटर दैन की जगह लेस दैन होनी चाहिए। सो सबसे ज़्यादा जो है HVD में होता है उसके बाद BRD उसके बाद DVD उसके बाद CD होता है दोस्तों। ओवरऑल कहने का मतलब ये जो ग्रेटर दैन है वो ग्रेटर दैन की जगह लेस दैन होनी चाहिए। सो कहने का मतलब ये अगर देखें इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ लेस स्टोरेज टू बिग स्टोरेज तो ये आप देख सकते हो सबसे कम CD में देख सकते हो उससे ज़्यादा DVD उससे ज़्यादा BRD उसके ज़्यादा HVD आप BRD और HVD का अब्रेविएशन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रिंटर जो करते हैं हम लोग लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट कॉस्टली एंड हाई क्वालिटी प्रिंटर जो आज के टाइम पे प्लॉटर जिसकी मदद से हम लोग होर्डिंग बनाते हैं या बैनर बनाते हैं जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं काफ़ी कॉस्टली भी होता है। एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस जिसको हम मैग्नेटिक टेप पहले फ्लॉपी के अंदर इस तरह का मैग्नेटिक टेप देखने को मिलेगा ये सिक्वेंशियल एक्सेस उसके अंदर देखने को मिलता है। माउस जो है एक एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस अगर इनपुट डिवाइस दे रहा है तो गलत है ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस में आपको लाइट पिन आता है आपको साथ में कुछ कुछ स्कैनिंग जैसे कि आज के टाइम पर जो भी पिन यूज़ करते हैं स्क्रीन बोर्ड पर वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है दोस्तों अगर इनपुट डिवाइस दिया है तो गलत है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस ही है। द टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ मोस्ट कॉस्टली इफेक्टिव जो कि LED मॉनिटर होते हैं आज के टाइम पे सबसे सस्ता करंट खर्च होता है घर में इसलिए हम लोग LED TV का इस्तेमाल करते हैं। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर जो होता है सरफेस कंप्यूटर कह सकते हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अब बात आता है CD दैट कैन बी यूज फॉर रीड एंड राइट वो पढ़ने के लिए रीड एंड राइट के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑप्टिकल डिस्क होता है जो कि DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है दोस्तों। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस बट DVD CD एंड फ्लॉपी RAM जो है टेम्प्रेरी नेचर का होता है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस में DVD CD फ्लॉपी जितने भी पेन ड्राइव हो गए ये सब स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। अब बात आता है द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है CPU के अंदर। अब कहें कि द ड्राइव यूज फॉर द रीडिंग और ऑफ कंप्यूटर डिस्क कंप्यूटर डिस्क को रीड करने के लिए हम डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। द थिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोर्ड जो कि सर्किट बोर्ड कहते हैं दोस्तों काफ़ी पतला होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोर्ड जिसको हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। एक्सपेंशन कार्ड जो है इंसर्ट किया जाता है कहाँ पर स्लॉट के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको कार्ड को इंसर्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो है मेजर करते हैं बिट के अंदर स्पीड ऑफ कंप्यूटर को मेजर करते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं इनिशियली फॉर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो भी मशीन लैंग्वेज है उसको हम यूज़ करते हैं ये कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ये जॉन जी केमी इन्होंने इस कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ किया है सबसे पहला। जावा जैसे कि मैंने बताया इंटरनेट लैंग्वेज है दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं सबसे पहले ये ट्रांसलेटर
इज़ नॉट रिक्वायर्ड इनके अंदर, जो भी मशीन लैंग्वेज होता है इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। अब बात आता है फायरवॉल, जो कि यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क और सिस्टम के अंदर। इन फायरवॉल का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन इस पर अटैक ना करें, तो फायरवॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होता है, एनी डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड टू ए कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम पेरिफेरल इक्विपमेंट कहते हैं, ऐसा डिवाइस है जो कि अटैच टू ए कंप्यूटर सिस्टम। अब बात आता है डिजिटल वीडियो इज़ मेड अप ऑफ फ्रेम्स, जो भी डिजिटल वीडियो है वो किससे बना हुआ रहता है, फ्रेम से बना हुआ रहता है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिनको यूज़ करते हैं इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो है प्रोलॉग। देखिए, एक तो इंटरनेट पे जावा लैंग्वेज और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोलॉग। अब कॉमर्स में यूज़ करने के लिए कौन सा लैंग्वेज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गीगो अब्रिवेशन क्या दिया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वेरी इंपॉर्टेंट गीगो का अब्रिवेशन। कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑन ए डिस्क, जो कि ट्रैक कहते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है दोस्तों डिस्क के ऊपर। द लैंग्वेज इज़ यूज इन साइंटिफिक वर्क, जो कि साइंटिफिक वर्क के अंदर यूज़ करने वाले जो लैंग्वेज है वो फोरट्रॉन है। देखिएगा, हमने डिस्कस किया है इंटरनेट के लिए जावा, साइंटिफिक वर्क के लिए फोरट्रॉन, और प्रोलॉग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक सवाल आ सकता है। एडवैक का अब्रिवेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ऐसा कौन सा इमेज है इन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ, देखिए जितना ज़्यादा पिक्सल्स रहेगा उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा उस LED स्क्रीन का, तो सबसे ज़्यादा पिक्सल से ही आपको क्लैरिटी मिल जाता है। ये इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन जिससे पिक्सल से मेजर करते हैं। फाइल एक्सटेंशन जो है कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, उस फाइल किस किस्म का फाइल है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, जिसको हम कहते हैं होम पेज कहते हैं, कहीं भी आप कोई भी चीज़ खोलते हो वो होम पेज में जाता है पहला पेज। इन कीबोर्ड कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जो कीज़ होते हैं वो मॉडिफायर कीज़ होते हैं दोस्तों। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अलग है कंप्यूटर साइंस अलग है, फादर ऑफ कंप्यूटर अगर कहें चार्ल्स बैबेज है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस अगर कहें एलन ट्यूरिंग है दोस्तों। अब बात आता है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि MS DOS के अंदर, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह का मैक्सिमम हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप दिस 30 मिनट्स वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, और इस तरह का वीडियो अगर चाहिए आप जाके मेरा प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।